घुसपैठिया गठबंधन मोदी जी बता रहे हैं कांग्रेस को झारखंड में। घुसपैठिया गठबंधन तो उनका खुद का घुसपैठिया, उनकी अपनी पार्टी है कहाँ, सारे के सारे तमाम लोग उन्होंने विधायक तोड़ के बना रखे हैं, सरकारें तोड़ के बना रखी हैं उन्होंने, हर जगह तो तोड़ फोड़ का खेल खेलते। झारखंड में सरकार बनाने का सपना किसके भरोसे देख रहे हो, चंपई सोरेन के भरोसे? बिहार में सरकार बनाने का सपना किसके भरोसे देख रहे हो, तेजस्वी यादव की पार्टी में फूट डाल गया नीतीश कुमार जी की बैसाखी पकड़ के? महाराष्ट्र में सरकार बनाने का सपना किसके थ्रू देख रहे हो, देवेंद्र फडणवीस और उनके अपना क्या नाम है सॉरी वो शिंदे के भरोसे? शिंदे ऑलरेडी पहले शिवसेना में थे। तो तोड़फोड़ और घुसपैठिए तो आप ही शामिल करते हो अपनी पार्टी में, और दूसरों को गठबंधन को कहते हो घुसपैठिया गठबंधन है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस ही दुआ करते थे, तोड़ के अपनी पार्टी में ले आया, घुसपैठ करा ली अपनी पार्टी में, आज वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। गोवा में तो इन्होंने सरकार तोड़ी, मध्य प्रदेश में तो इन्होंने सरकार तोड़ी, हिमाचल में तो इन्होंने सरकार तोड़ने की कोशिश करी, दिल्ली में तो सरकार तोड़ने की कोशिश करी। घुसपैठ तो आप लोग करते हो भाई साहब, और दोष दूसरे पे लगाते हो। कहते हैं ना पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, काम मैं करूँगा लेकिन दोष तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा। अच्छा बोला जा रहा है कि जिस तरीके से घुसपैठ घुस रहे हैं, अगर मोदी जी को पता है कि घुसपैठिया घुसे जा रहे हैं, खड़गे जी ने भी बोला कि क्यों फिर सरकार कुछ नहीं कर रही इसके लिए? देखिए इसके लिए तो सबसे बड़ा रीजन क्या है घुसपैठ, अगर इस दूसरी घुसपैठ की बात करी जाए तो ये है, बांग्लादेश से जो घुसपैठी हमारे देश में घुस रहे हैं, बांग्लादेश बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी? बीएसएफ की। राज्य सरकार की तो जिम्मेदारी होती नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की होती है, बीएसएफ उसके है केंद्र सरकार के अंडर में, 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। तो अगर आपका बीएसएफ घुसपैठ नहीं रोक पा रहा तो भाई साहब आपकी सरकार किस बात की फिर? खुद ही तो आप बड़े बड़े दावे करते हो देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी का डंका विश्वगुरु के तौर पर बज रहा है, रूस और यूक्रेन की वार रुकवा देते हैं, लेकिन एक घुसपैठ नहीं रुकवा पाते तुम। वाह भैया वाह, कितनी बढ़िया बात है, बड़े बड़े युद्ध रुकवा देते हो लेकिन एक घुसपैठ नहीं रुकवा पाते, घुसपैठिए घुसे जा रहे हैं, और फिर उस पर भी दोष राज्य सरकारों का क्या तुम घुसपैठिए को आश्रय दे रहे हो? अरे भैया घुसने तो तुम दे रहे हो, गेट की चौकीदारी तो तुम्हारी है, गेट की चौकीदारी तुम्हारी है, अंदर की चौकीदारी उसकी है, अंदर की चौकीदारी तो जब वो आएगा उसके राज्य में आएगा तब वो देखेगा ना, गेट पे से तो जिम्मेदारी आपकी, आप कैसे घुसने दे रहे हो उसे, गेट पे तो चौकीदार बन के आप बैठे हो, तो इसमें किसकी हुई नाकामी, किसकी हुई? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की हुई, केंद्र सरकार की हुई, गृह मंत्रालय की हुई, लेकिन ठीक रहा राज्य सरकारों पे फोड़ना है जिनके अंडर में ये सब चीज़ें आती ही नहीं, राज्य सरकार के अंडर में मात्र पुलिस होती है, पुलिसिया काम होता है, उनके पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं होती, उनके पास ITBP नहीं होती, उनके पास सेना नहीं होती, अर्धसैनिक बल नहीं होते, PSC नहीं होती, कुछ नहीं होता उनके पास, राज्य सरकार के पास सिर्फ उनकी पुलिस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जिम्मेदार राज्य सरकार है, घुसपैठ रोकने का जिम्मा आपका लेकिन जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी। बहुत बढ़िया काम है, तो आप भैया केंद्र में बैठ के क्या कर रहे हो, सिर्फ गरियाने का काम, झूठ बोलने का काम, यही आपका काम रह गया, झूठ बोले जाओ झूठ बोले जाओ झूठ बोले जाओ। अब बार बार मुझे एक चीज़ याद आती है जी, इन्होंने जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव से पहले वादा करा था जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बना दो, पीओके को हम अपने वापस ले आएंगे, चलो ठीक है जी जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार नहीं बनी, अब क्या हुआ उस नारे का, अब क्यों नहीं पीओके वापस लेके आ रहे, अब तुम रूठ के बैठ जाओगे हैं, अब तुम रूठ के बैठ जाओगे, तुमने हमारी सरकार नहीं बनाई इसलिए हम पीओके नहीं लाएंगे, तुमने तो हमारी सरकार नहीं बनाई हम तो पीओके क्यों लाए? वाह भैया वाह, अब पीओके का हमारा हिस्सा नहीं है, अब किसी नेता के मुँह से आपने आवाज़ सुनी कि हम पीओके को अभी भी वापस लेके आएंगे? जब तक सरकार नहीं बन रही थी तो मेरे से सारे काम करा लो, सरकार बन गई बात खत्म हो गई, फिर तू कौन और मैं कौन, सरकार नहीं बनी तो फिर अब कौन सा पीओके कैसा पीओके, खत्म कहानी। अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी जो है कांग्रेस कॉपी करते हैं, जो चीजें जो योजनाएं कांग्रेस कर्नाटका में लाती है वही मोदी जी ले आते हैं, ये तो बहुत पुरानी बात है जी, ये तो अभी ताजी बात है, आपने तो ताजी बात छेड़ी है, पुरानी बात छेड़ी है, मनमोहन सिंह सरकार में आधार कार्ड की वो करी गई थी परिकल्पना कि आधार कार्ड बनाए जाएंगे सबके, तो मोदी जी ने क्या कहा था, अरे सबके आधार कार्ड बना के सबके डाटा लीक करोगे, सबकी निजी जानकारी चुराओगे, सबके ऊपर कंट्रोल करोगे, सबके ऊपर पहरेदारी बिठाओगे, सबके ऊपर जासूस बिठाओगे, उसी आधार कार्ड के बाद में लाने के बाद मोदी जी जब गवर्नमेंट आए सत्ता में तो सबसे पहले आधार कार्ड लागू करा, आधार कार्ड लागू करने के बाद सारी की सारी योजनाएं आज की डेट में आधार कार्ड से लिंक कर दी है, अब निगरबानी कौन कर रहा है, अब जासूसी कौन कर रहा है, आधार कार्ड को पैन कार्ड से भी जोड़ दिया, आपने एक भी ट्रांजेक्शन करी है तो आपकी डिटेल सारी की सारी पहुंच जाएगी सरकार के पास, सरकार अपने किसी फंड का हिसाब नहीं देगी लेकिन आपके एक एक पैसे का हिसाब रखेगी, मनरेगा, अरे ये क्या है, ये तो गड्ढे खोदने वाली योजना है, ये तो गड्ढे खुदवाएंगे मनरेगा में, गड्ढे खोदने वाली योजना है तो, और उसी मनरेगा के तहत 2019 के बाद जब 2020 में कोविड हुआ लॉकडाउन लागू हुआ 2021 में लॉकडाउन लगा, उसी मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिया गया और अपने कॉलर खड़े करेंगे, हमने तो देखो मनरेगा में इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों को हमने कामकाजी बनाया ताकि उनका घर परिवार चल सके, सारी की सारी वही पुरानी सारी योजनाएं चली आ रही होती, उनका नाम बदल के अपने नाम पे रख देते हैं, अहमदाबाद का स्टेडियम देख लो जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दिया गया, उससे पहले बनवाया किसने था वो, नाम किसके था, लेकिन नहीं नाम बदल के अपने नाम रख दिया बस, ठीक है जी कॉपी करनी है और उसके बाद दोष भी देना है,
कॉपी सब करनी है, अपनी सोच तो इनकी है नहीं, अपनी सोच इनकी कितनी कितनी है, शौचालय, शौचालय से आगे इनकी सोच नहीं बढ़ी आज तक, शौचालय के बाद इन्होंने आज तक कभी डीओडी की एक्सटेंशन कराओ ना, अपने केंद्रीय कार्यालय का एक्सटेंशन जरूर कर लिया लेकिन डीआरडीओ का एक और एक्सटेंशन कर दें उसमें और वैज्ञानिक भरे नहीं भरेंगे जी, इसरो का एक्सटेंशन कर दें उसमें और वैज्ञानिक भर दें नहीं भरेंगे जी, इसरो के वैज्ञानिकों तक की जो है सैलरी तक रोक ली थी सरकार ने, और उसके बाद जब चंद्रयान सफल हो गया था मोदी जी के राज में चंद्रयान सफल हो गया, मोदी जी ने इसमें इनिशिएटिव लिया, मोदी जी के राज में ये सफल हुआ, वाह भाई वाह, शौचालय के बाद तुम्हें एक आगे गिना तो दो, बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के लोगों को देखो कैसे ट्रेनों में गए हैं, छठ पे अपने अपने घर पे गांव में कैसे गए, शौचालयों में ठुस ठुस के गए हैं, 22-22 घंटे लोग भीड़ में फंसे खड़े रहे हैं, बाथरूम करने तक लायक नहीं बचे वो बेचारे, कि वो भीड़ में से अगर जाएंगे तो भीड़ में निकल के बाथरूम तक नहीं पहुंच सके, तो पहुंच भी जाए तो बाथरूम में लोग फंसे पड़े थे कि करेंगे कहां से, कहां 8-8, 10-10 आदमी इतने से बाथरूम में 2x2, 2.5x2 का बाथरूम उसमें सीट पे, और उसकी फोटो वायरल हो रही है, और रेल मंत्री हमारे बैठे हुए हैं पीछे गार्ड के रूम में, और वहां से वो दिखा रहे देखो जी कितनी शानदार व्यवस्था है, उल्टी चल रही है ट्रेन और उसकी रील बना के दिखा रहे हैं, एक टीटी को खड़ा कर दिया, भाई आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आप चिंता मुक्त होकर जाना, कोई परेशानी है तो 139 पे कॉल कर देना, वो कह रहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसके पीछे की जो दुनिया भर की भीड़ है वो नहीं दिखाई, ये इनकी हालात है, बुलेट ट्रेन का सपना सबको दिखा रहा है, बुलेट ट्रेन आएगी बुलेट ट्रेन आएगी, लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट है, अरे भैया बुलेट ट्रेन से फायदा किसको होगा, जो ऑलरेडी व्यापारी हैं, जो ऑलरेडी जहाज का किराया दे सकते हैं, जिनके लिए जहाज का किराया कोई बड़ी मायने नहीं रखते, वो तो चार्टर्ड प्लेन भी है वो कर सकते हैं हायर, उनके लिए बुलेट ट्रेन की योजना लाई जा रही है, उसी बुलेट ट्रेन के खर्चे में आप 2-10-20-50 ट्रेनें और भी चला देते, आम जनता का भी ख्याल कर लेते, लेकिन ना मजे लेने हैं, दिखाना कुछ और है करना कुछ और है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो भी नकली हैं, और पीछे मैंने देखा भी था एक सीन, हाथी को वास्तव में नकली दांत लगा रखा था इतना बड़ा हाथी का दांत था, उसके बाद में उसने नट बोल्ट ढीले करे हाथी का दांत निकाल के साइड में रख दिया, तभी मुझे बीजेपी की याद आई, मैंने कहा वास्तव में बीजेपी यही काम करती है, दिखाने के लिए दुनिया को इतनी बड़ी बड़ी चीजें और वास्तव में इनकी हालात ये है। अच्छा खड़गे जी का कहना है कि किसने कितने वादे पूरे किए हैं मोदी जी सामने आके डिबेट कर लें, क्योंकि मोदी जी झारखंड में कह रहे हैं कि झूठे वादे लगातार देते हुए आई है कांग्रेस। मोदी जी सामने आएंगे ही नहीं डिबेट करने के लिए, लोकसभा इलेक्शन से पहले भी उनको चैलेंज दिया गया था, उनको इन्वाइट करा गया था, आइए डिबेट करिए आमने सामने, फेस टू फेस डिबेट करिए, निकल लिए, वैसे कहने को 56 इंची हैं लेकिन डिबेट के नाम पर तो वो गायब है, डिबेट किसी से भी कर लें वो उनके कोई नेता थे डिबेट करने को तैयार नहीं हुए, राहुल गांधी से उनके जो सबॉर्डिनेट हैं वो तैयार नहीं हुए, खड़गे जी तो दूर की बात है, वो डिबेट में आएंगे नहीं, उन्हें पता है कि जब डिबेट में आएंगे ओपन डिबेट होगी तो एक एक पोल उनकी खुलती चली जाएगी, अब वहाँ पे उनका पालतू मीडिया तो बैठा नहीं होगा जो एडिट कर सकेगा बीच बीच में काट छाट कर सकेगा, अगर उनकी लाइव डिबेट चला दी जाए सारे के सारे उनके खोखले वादे उनके सबके सामने आ जाएंगे, खोखले वादों की फेहरिस्त कितनी लंबी है, 2014 से शुरू हुई थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ठीक है जी जनता झांसे में आ गई, और आज महंगाई सूचकांक कहाँ पहुँच गया, 2.5 अंक पार कर गया है, आप सब्जी लेने आज जाओ आज सब्जी वाला जो है वो किलो में रेट नहीं बताता, वो सीधा कहेगा भैया पाव है, गोभी 40 रुपये पाव है, टमाटर 20 रुपये पाव है, बैंगन 40 रुपये पाव है, वो ये पाव के भी रेट बताता है, वो किलो के रेट तक भी नहीं बताता, थोड़े दिनों में भी आलू के भी रेट 50 रुपये किलो पड़े हैं तो उसको भी रेट बताना शुरू करेगा, भाई साहब 25 रुपये में आधा किलो आलू, ये हालत हो गई है लोगों को, क्या ताकि लोग शौक ना खा जाए डर ना खा जाए, अगर वो गोभी सीधा छूट दे बोलेगा 120 रुपये किलो तो बंदा डर के वैसे ही भाग जाएगा, भाई 120 रुपये किलो की गोभी मैं कहाँ से खाऊंगा, दालें 200 रुपये से ऊपर सारी की सारी लगातार चल रही हैं, दालों की पैकिंग भी छोटी हो गई है, 250 ग्राम और आधा किलो की पैकिंगें शुरू हो गई हैं, महंगाई से लगातार सबने, और उनके बाद 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, वो 2 करोड़ रोजगार भाई एक भी रोजगार अगर आपने दिया हो तो बात समझ में आती है, 10-20-50 हज़ार लोगों का नियुक्ति मेला लगा के उसे दिखा दिया जाता है, देखो जी हमने नियुक्तियाँ दी 50 हज़ार लोगों को नियुक्ति दी 71 हज़ार लोगों को नियुक्ति दी, और वो नियुक्तियाँ वो होती हैं जो ऑलरेडी पहले से चल रही होती हैं SSC के प्रोसेस में होती हैं, सीधी सी बात है जो SSC अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके प्रोसेस से चल रही हुई पहले से चली आ रही, एक्स्ट्रा तो कहीं से कुछ नहीं हुआ, गंगा साफ होएगी वादा था झूठा निकला, 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, काला धन इतना है वापस लाऊंगा वादा झूठा निकला, दाऊद को पकड़ के वापस लाएंगे दाऊद आज तक नहीं आया, विजय माल्या पकड़ के लाएंगे विजय माल्या आज तक नहीं आया, नीरव चौकसी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी उनको पकड़ के लाएंगे वो आए नहीं आज तक, उल्टा और भाग और गए, एक वो महेश शाह का नाम बहुत उछला था उसमें जब नोटबंदी हुई थी 13,000 करोड़ का घोटाला करके वो बंदा गायब हो गया, और उसके बाद से तमाम गुजराती एक से एक बड़े ठग निकल के आ रहे हैं, उनके पास कोई नहीं कुछ नहीं कोई गारंटी नहीं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है जी, आप करे जाओ कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं, कौन सी गारंटी पूरी करी उन्होंने अपनी, गारंटी पूरी करी उन्होंने ये बात सही है कि एक गारंटी जरूर पूरी करी उन्होंने, अगर आप भ्रष्टाचारी हो और मेरी पार्टी में आ जाओ फिर मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा आपको, ये मोदी जी ने गारंटी पूरी करी है, आप बलात्कारी हो मेरी पार्टी में आ जाओ फिर आपको कोई भी एजेंसी हाथ नहीं लगाएगी, ये गारंटी उन्होंने पूरी करी है, आप कितने भी घोटाले कर लो मेरी पार्टी में आ जाओ चाहे वो ED हो चाहे CBI हो चाहे वो IP हो वो आपको क्लीन चिट देगी ही देगी, परफेक्ट उदाहरण इसका छगन भुजबल 171 करोड़ के घोटाले का उनके ऊपर आरोप था, 180 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप उनके ऊपर छगन भुजबल के ऊपर, जब उन्होंने छगन भुजबल ने बीजेपी शामिल हो गए ज्वाइन कर ली उसके बाद वो घोटाला
मामला वहीं का वहीं खत्म कर दिया और ईडी ने उनकी सारी जब्त करी हुई संपत्ति वापस लौटा दी। बाकी गारंटी है इस मामले में कोई दो राय नहीं। अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी था, उनकी पत्नी को 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी बनाया गया था, वो उनका खत्म, वहीं का वहीं मामला खत्म। 25,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी से उनको बरी कर दिया गया। अजीत पवार वो क्लीन चिट लेके आराम से घूम रहे, दोबारा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बात गारंटी है। जिस दिन आपने घोटाला करा अगले दिन बीजेपी का दामन थामा, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी किसी भी किस्म से। ये मोदी जी की गारंटी पक्की है, इस मामले में उनकी कोई दो राय नहीं, इस मामले में उनका कोई सानी नहीं है। तो मोदी जी तो बदलाव की बात करते, कहते हमने देश में इतना बदलाव किया, तो क्या इस तरीके से बदलाव किया गया? बदलाव उन्होंने करा है जी, बिल्कुल बदलाव करा है। मैं मानता हूँ इस चीज को, मोदी जी ने क्या बदलाव करा, आज पड़ोसी पड़ोसी को देख के डरता है, हिंदू मुस्लिम को देख के डरता है, मुस्लिम हिंदू को देख के डरता है, ये हालत में बदलाव पैदा करा है। ईद में हमारे घर में मिठाइयाँ आती थी, मिठाइयाँ नहीं बंद हो गई, भाई ये तो हिंदू है, पता नहीं इसको मिठाई दें या ना दें। दिवाली पे हम मिठाई देने जाते थे, अब हम डरते हैं यार पता नहीं हमारी मिठाई लेगा या नहीं लेगा। ये बदलाव करा उन्होंने, बच्चे बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ गई है, तू हिंदू है और तू मुस्लिम है। पिछले साल आपको याद है ना 2022 की घटना मुजफ्फरनगर में जो हुआ था, मुजफ्फरपुर में या यूपी में, मेरठ से आगे मुजफ्फरपुर में, वो तृप्ता त्यागी जो मैडम थी उसने बच्चे को थप्पड़ पड़वा दिए थे दूसरे बच्चे से कि इसको थप्पड़ मारो ये मोमडन है, क्योंकि इसलिए तो बच्चे बच्चे के दिमाग में जहर भर दिया गया कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है तुम्हें इसके साथ नहीं बैठना। कल ये एक और घटना आ रही थी, वीडियो वायरल हो रहा था कि बच्चे ने मना कर दिया 4 साल के बच्चे के, मैं इस बच्चे के साथ नहीं बैठूंगा, क्यों, क्योंकि ये मुस्लिम है। मैडम ने पूछा तुझे किसने बताया, कि मेरे घर वालों ने बताया कि मुस्लिम बच्चों के साथ नहीं बैठना। 4 साल के बच्चे को होश नहीं होता, वो अपना ढंग से डायपर नहीं बदल पाता, वो सुसु के लिए नहीं कह पाता, उनके दिमाग में ये चीज़ें भरती है। बदलाव तो कितना बड़ा लेके आए ना मोदी जी, ये बदलाव आने वाली पीढ़ी को इतना भुगतना पड़ेगा ना, अगर आज भी आज आने वाली पीढ़ी नहीं समझी तो आने वाली पीढ़ी का बैंड बजना निश्चित है, पतन निश्चित है। ये बदलाव ही तो है कि एक राम गोपाल अच्छा भला अपने परिवार को चला रहा था और जाके उनके भड़कावे में आके जाके ऊपर पहुंच गया, झंडा उतारने और गोली खा के बेचारा मारा गया, अपनी जान से गया। क्या मिला उसे, क्या मिला उसके परिवार को, 10 लाख रुपए। कितने दिन चल जाएंगे 10 लाख रुपए, आज 3 हफ्ते होने आ रहे हैं इस बात को, 3 हफ्ते बाद आज पूछो कि कोई भी नेता गया राम गोपाल मिश्रा के घर पे, किसी नेता को जाते हुए देखा, किसी नेता को देखा कि उसकी बीवी बच्चों का हालचाल, अब जाके लिया हो। एक बार योगी जी ने उनसे मुलाकात कर ली, इतिश्री कर ली, तुम्हें मकान देंगे, तुम्हें नौकरी देंगे और ये 10 लाख रुपए पकड़ो, अब हमें अपनी रोटी सेकने दो, तुम्हारा काम निपट गया, तुमने अपनी शहादत दे दी, अब मैं तुम्हारी शहादत पे अपनी रोटी सेकूंगा, मैं अपने 9 चुनाव जो हैं उनको जीत के तुम्हारे भरोसे और सत्ता में बैठा रहूंगा। अब उसके बाद कौन पूछ रहा है राम गोपाल मिश्रा के परिवार को, कोई नहीं पूछ रहा ना। तो ये चीज़ जनता को भी समझनी पड़ेगी कि इनके बहकावे में ना हो भाई, अपने ही देश की जनता है, अपने ही लोग हैं, अपने ही आपस में लोग हैं, बटोगे तो कटोगे, तो सीधा सा मतलब है, बटोगे तो कटोगे चीन काट जाएगा, बटोगे तो कटोगे पाकिस्तान तुम्हारे को मार जाएगा, कोई पड़ोसी नहीं मार के जाएगा, सीधी सी बात है। पड़ोसी पड़ोसी में आपस में जब बैर भाव नहीं होगा रहेगा, आपके घर में कोई मुसीबत आएगी सबसे पहले पड़ोसी निकल के आपकी हेल्प करता है, कोई दूसरा तो नहीं आता, कोई दूर सा तो बाहर से तो कोई नहीं आएगा, सबसे पहले पड़ोसी नीचे वाला है, ऊपर वाला, आस वाला, साथ वाला, वही आपकी हेल्प करता है। और ये बात सबने देखी है, सब जानते हैं इस चीज़ को, तो ये बदलाव आया है। मोदी जी ने बोला था कि अगर कांग्रेस आएगी तो बेटी बेच देगी, रोटी बेच देगी, पर खड़गे जी कह रहे हैं कि असल संपत्ति तो मोदी जी बेच रहे हैं अडानी अंबानी को, क्या कहना है इसमें? सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है किसको दिया जा रहा है। हसदेव जंगल जो छत्तीसगढ़ का हसदेव अभयारण्य जिसे कहा जाता है, उसके नीचे खनिज भंडार मिले हैं, पूरा का पूरा जंगल काट दिया, लाखों पेड़ काट दिए गए हैं, तो किसको बेचा? अडानी के पास ही तो ठेका गया है, अडानी को पोर्ट दे रखा है गुजरात का, गुजरात के पोर्ट से पूरे देश में ड्रग्स सप्लाई हो रखी है, ड्रग्स पकड़ी जाती हैं हर बार, कभी कभार एक आध बार वो 2,000-5,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, बाकी कितनी बेरोटों चल रही सबको पता है। मालगाड़ियों का ठेका अडानी को दे रखा है, एयरपोर्ट का ठेका अडानी को दे रखा है, कानपुर स्टेशन अडानी को दे रखा है, तो सब कुछ दे रखा है, वो तो सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। खड़गे जी ने कोई अलग बात नहीं कही, जो बात है वो सच्ची है, लगातार सारी देश की संपत्तियाँ जो है अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, सिर्फ तीसरा कोई नाम ही नज़र नहीं आ रहा, अब तो तीसरा कोई नज़र ही नहीं आ रहा, ना टाटा नज़र आता उसमें, ना कोई बिरला नज़र आता, सिर्फ अडानी और अंबानी, अडानी और अंबानी। क्या कारण है इसका? कारण यही है कि जो लगातार उनके साथ उनके फेवर में फैसले लिए जाते हैं। और अभी तो पीछे आपको याद होगा केन्या के प्रधानमंत्री ने भी आरोप लगाया था, उन्होंने भी उजागर करा था कि केन्या में आके मोदी जी ने हमारे लिए, उसके लिए अडानी के लिए लॉबिंग करी, हमें बोला गया कि हमारे को इस तरह के ठेके अडानी को दिए जाएं। ऑस्ट्रेलिया में जाके कोल सप्लाई का ठेका तो जाके अडानी को दिलवाया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के बाद में जाके मामला खुला कि वहाँ से सप्लाई आएगी, कोयले की सप्लाई आएगी। तो ये तो जाहिर बात है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ वो एक दो जनों के मित्र हैं, उनके दो आँख के तारे थे अडानी और अंबानी, अब दो और जुड़ गए उसमें N1 N2। तो फिलहाल देखते हैं अब चार कब तक चलते हैं।